कल्याणपुर कांड की अपडेट, जहां पर इसकी गूंज चारों तरफ है और इसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की तैयारी है। हयात हाशमी से पूछताछ में कानपुर कांड के कई राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है और इस कांड से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बताते हैं। देखिए, हिंसा के उपद्रवियों पर एनएसए एक्ट लगा है। आज स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी, सूत्र बताते हैं, और आज ही इन आरोपियों के रिमांड पुलिस मांग सकती है, सूत्रों से पता चला है। देखिए, अब तक कुल 24 गिरफ्तार हुए हैं, 18 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि मामले में कुल 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को लखनऊ से गिरफ्तार किया जा चुका है। अब हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की तलाश तेज हो चुकी है, क्योंकि कानपुर पुलिस का दावा है कि जल्द ही साजिश का खुलासा कर दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा किसी भी कीमत पर। और अब तक की जो अपडेट है वो कहती है कि पीएफआई कनेक्शन की जांच बड़ी तेजी से की जा रही है। तो कानपुर कांड का मास्टरमाइंड बोलेगा और बवालियों के राज खोलेगा, क्या है समझते हैं। देखिए, 3 एफआईआर दर्ज हुई है कानपुर हिंसा पर कुल, और अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 500 लोगों के खिलाफ तो मामले दर्ज किए गए हैं। और कल कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया था लखनऊ से। कोर्ट में पेश किया जाएगा हयात जफर हाशमी। सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त बड़ी अपडेट के तौर पर कानपुर हिंसा से जुड़ी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, पुलिस ने हिंसा से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई है। पुलिस की 10 टीमें हैं जो इन आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। पुलिस अलग अलग थानों में आरोपियों को रख करके पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 350 वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और इनमें नाबालिग भी मिले हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब देखिए, पुलिस की 10 टीमें हैं, लगातार किस तरीके से धरपकड़ कर रही है। 350 यानी 350 वीडियो देखे हैं पुलिस की टीम ने, और इन वीडियोस को देखने के बाद पता ये चला है कि नाबालिग के हाथ में भी पत्थर थे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी के पास, और जानेंगे कि ताजा अपडेट क्या है। आरोपियों पर जब रासुका की बात चल रही है तो उसकी बात कहां तक आगे बढ़ी है, इसकी डिटेल्स क्या है, विवेक से समझेंगे। विवेक, जरा बताइए कि किस तरीके से पुलिस की टीम काम कर रही है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और रासुका को लेकर के क्या डिटेल्स आई। बिल्कुल स्नेह लता, देखिए जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी जफर को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और पूरे मामले का खुलासा किया है। पीएफआई के इन्वॉल्वमेंट की जो आशंका जाहिर की है उसकी भी छानबीन चल रही है, और आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से सरकार सख्त है और बुलडोजर लेकर हर समय जो सुरक्षा के लिए खतरा हैं और जो समाज के लिए खतरा हैं, ऐसे लोगों को बुलडोजर का जो खौफ दिखाने का एक चलन इधर हो गया है, तो पुलिस भी बुलडोजर के लिए तैयार है और उसके लिए ज़रूरी है गैंगस्टर और रासुका की कार्रवाई करना। यानी ये दो एक्ट ऐसे हैं जिसके तहत कार्रवाई होगी, तभी बुलडोजर लीगली चलाया जा सकेगा। यानी गैंगस्टर में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होती है और ध्वस्त करने की भी कार्रवाई होती है, यही स्थिति रासुका की भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जब कार्रवाई होती है तो उसमें संपत्तियाँ जब्त की जाती हैं ऐसे लोगों की जो देश की सुरक्षा के लिए या समाज की सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं। तो जफर और उसके साथी जितने भी लोग हैं, अभी तक 24 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन 30-35 लोगों को रात में भी उठाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। जो मोबाइल और वीडियो और तमाम मिले हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो मिले हैं, उनसे उनकी पहचान की जा रही है, चेहरे के मिलान किए जा रहे हैं। जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं इलाके के और जो पीड़ित हैं, खासकर जैसे चंद्रेश्वर हाथा के लोग हैं और नई सड़क के तमाम लोग हैं, जो बेकनगंज की गलियां, पुराने मोहल्ले हैं वहाँ के लोग हैं जिन्होंने देखा है, अपनी छतों से वीडियो बनाए हैं, वो सब वीडियो 350-400 के आसपास वीडियो पुलिस को मिले। और चूंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा काम है, इसलिए वीडियो से आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उसके बाद ये रासुका की कार्रवाई, चूंकि कागजी कार्रवाई बहुत लंबी होती है। बिल्कुल विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि देखिए इस पर सवाल भी उठते आए हैं। अगर आरोपी है कोई, तो आरोपी के घर पर बुलडोजर कैसे चलेगा,
उसके नाम का पोस्टर कैसे चस्पा होगा। इस पर हमने पहले भी देखा है किस तरीके से ऊपर तक आवाज उठाई जाती है और विवाद होते रहे हैं, उससे निपटने का कोई प्लान बी भी है? देखिए स्नेहलता, सीएएनआरसी में हमने देखा कि जब पोस्टर लगाए गए थे और कई लोगों की संपत्तियां जब्त की गई थी, उस पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया था और कई लोगों की संपत्तियां जो जब्त की गई थी, जिन पर जुर्माना लगाया गया था, जिनसे वसूली की गई थी, रिकवरी की गई थी, तो सरकार ने रिकवरी की रकम को वापस भी किया, कई लोगों को इंसाफ भी मिला। तो कब अक्सर जो आपाधापी होती है, जल्दबाजी होती है, उस पर कार्रवाई हो जाती है, इस तरह की कार्रवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट नाराज होती है, हाई कोर्ट नाराज होती है कि ये गलत किया गया, लेकिन पुलिस के पास जब साक्ष्य नहीं होते हैं और ऊपर से दबाव होता है तो ऐसी कार्रवाई करनी मजबूरी होती है, कई दफा मजबूरी होती है। लेकिन इस मामले में चूंकि पीएफआई का कनेक्शन है, जो वीडियो आए हैं, जो एबीपी गंगा के दर्शकों को लाइव जो दिखाया गया है, सब जिस तरह से पत्थर चल रहे थे, उसमें पुलिस के पास साक्ष्य सारे हैं और जफर के पास से जो दस्तावेज मिले हैं, उसके मोबाइल में जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, वो सारी बातें ये पर्याप्त सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि वो कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। तो ये कार्रवाई इसीलिए पुलिस मुतमईन है कि इस मामले में किसी भी तरह से कहीं बुलडोजर की बात अगर आएगी, ध्वस्तीकरण की बात आएगी, संपत्ति जब्त करने की बात आएगी, तो कहीं भी पुलिस को पीछे नहीं हटना पड़ेगा, उसको कदम पीछे नहीं खींचने पड़ेंगे, क्योंकि लीगली जो कानूनी रूप से सारी चीज़ें होती हैं, सारे दस्तावेज जिनका एक तरह से कि वो फिल्टर करना है, जो वीडियो है उनको फिल्टर करना है, और बहुत सारे जो गवाह हैं, जाहिर तौर पर पुलिस महकमा इस बात की पूरी तैयारी करेगा संजीदगी से कि कानूनी दांव पेच में ये मामला ना फंसे, क्योंकि अगर बुलडोजर या फिर संपत्ति ध्वस्त या जब्त करने की कार्रवाई होगी तो ऐसे में कानूनी अड़चने ना हो, ये तमाम चीजें भी सुनिश्चित की जाएंगी। आप नजर बनाए रखिएगा, पूरे दिन जो भी अपडेट आएगी हम दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे। विवेक शुक्रिया, विवेक नजर बनाए हुए इस पूरी खबर पर, शुरू से अब तक की अपडेट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं लगातार। कानपुर में हिंसा के वक्त और उसके बाद जितनी भी चीजें चल रही हैं उस पर नजर है। हम आगे बढ़े, बात करते हैं सीएम योगी के जन्मदिन की। आज उनका जन्मदिन है और इस मौके पर वो अपनी कर्म भूमि गोरखपुर में है। गोरखपुर उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है, गोरखनाथ मंदिर के वो पीठाधीश्वर भी रहे हैं और हैं भी। आज सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उनके साथ होंगे। सीएम योगी आज वाराणसी जाएंगे, वहां कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सीएम योगी संत कबीर नगर भी जाएंगे और संत कबीर नगर में सीएम योगी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे, मगहर पहुंचेंगे, वहां मजार पर चादर चढ़ाएंगे, इसके बाद वो लखनऊ आएंगे। इसके साथ देखिए आज का बड़ा इवेंट पर्यावरण दिवस भी है। लखनऊ में पौधारोपण का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें सीएम शामिल होंगे और पौधारोपण करेंगे। तो देखिए आज दो बड़े इवेंट उत्तर प्रदेश के लिहाज से हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व के पटल पर मनाए जाने वाला इवेंट है और आज सीएम योगी का जन्मदिन है, तो वो भी हम देख सकते हैं किस तरीके से उनके शेड्यूल को, जहां वो अपने कर्मभूमि और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर के नाते वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो संत कबीर नगर जाएंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन काशी में करेंगे और फिर लखनऊ वापसी आएंगे, पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन इसी बीच ये भी जान लीजिए कि सीएम योगी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखी है। राम की नगरी अयोध्या में भी मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर 51 किलो का लड्डू चढ़ाया जाएगा, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच में बांटा जाएगा। किसने तैयार कराया है ये लड्डू, पूरी रिपोर्ट देखिए। कड़क मिजाज, सख्त अंदाज, लेकिन दिल से मुलायम मुख्यमंत्री योगी ने अपने बसंत के 50 बरस पूरे कर लिए। आज उनका जन्मदिन है, इस मौके पर प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ता जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि खुद योगी आदित्यनाथ आज भी गोरखपुर में ही है। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंचे महामहिम रामनाथ कोविंद के साथ सीएम योगी आज संत कबीर नगर और वाराणसी दौरे पर जाएंगे और दोनों जगहों पर कार्यक्रमों में शिरकत कर शाम को लखनऊ लौटेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, लिहाजा इस अवसर पर लखनऊ में पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे और जन्मदिन के मौके पर पेड़ लगाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन आज एक और वजह से खास बनने वाला है। रामनगरी अयोध्या में सीएम के जन्मदिन पर आज 51 क्विंटल लड्डू रामलला को चढ़ाया जाएगा, जिसे प्रसाद स्वरूप भक्तों के बीच बांटा जाएगा। 51 क्विंटल लड्डू बनवाने वाले कोई और नहीं बल्कि कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद
ब्रिजभूषण शरण है जिन्होंने ये लड्डू बनवाया है। साथ ही वो आज अपने लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खुद अयोध्या में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये वही ब्रिजभूषण शरण है जिन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या आकर दर्शन नहीं करने देने की चुनौती दी थी। ब्रिजभूषण शरण का कहना था कि राज ठाकरे ने जो उत्तर भारतीयों का अपमान किया है वो पहले इसके लिए माफी मांगे, बाद में राज ठाकरे का 5 जून का अयोध्या दौरा कैंसिल हो गया। लेकिन ब्रिजभूषण शरण ने अपनी 5 जून वाली यात्रा कैंसिल नहीं की और आज के दिन वो अयोध्या पहुंचकर अनोखे अंदाज में सीएम योगी का जन्मदिन मनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लेकिन देखिए जन्मदिन पर खास तोहफा क्या है इसका जिक्र करेंगे आप तो। सीएम के जन्मदिन पर बन रहा है 51 क्विंटल का लड्डू जो रामलला को चढ़ाया जाएगा और 51 क्विंटल के इस लड्डू को प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बांट दिया जाएगा। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस लड्डू को बनवा रहे हैं और लाखों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में वो मौजूद रहेंगे। तो ये है जन्मदिन की तैयारी कार्यकर्ताओं की ओर से और खासकर रामनगर की नगरी अयोध्या में। इसे देखने के लिए हम चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ के पास और इसके साथ तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच हम आपको ये भी बताते चले कि आज का दिन खास है उत्तर प्रदेश के लिए क्योंकि महामहिम मौजूद हैं और आज के दिन जन्मदिन भी है सीएम का। गोरखपुर में पौधारोपण का कार्यक्रम भी है क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी है। तो गोरखपुर में पर्यावरण दिवस और अपने जन्मदिन के मौके पर भी जो भी कह लीजिए पौधारोपण करते सीएम योगी की ये तस्वीरें आ चुकी हैं। देखिए आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पौधारोपण करती ये तस्वीरें पीपल का पेड़ लगाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनका आज जन्मदिन भी है। देखिए और गोरखपुर से ही उन्होंने शुरुआत कर दी है। हालांकि पौधारोपण कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में भी रखा गया है लेकिन उन्होंने आज गोरखपुर से ही इसका आगाज कर दिया है। जन्मदिन भी है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और पीपल का पौधा लगाते ये तस्वीरें आई हैं गोरखपुर से। देखिए आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कबीर की मजार पर जाएंगे साथ ही राष्ट्रपति आज विश्वनाथ बाबा के दर्शन पे जाएंगे उनके द्वार पर मत्था टेकेंगे। दोनों ही जगह जाकर राष्ट्रपति आज एकता का संदेश देने की कोशिश करेंगे। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का तीसरा दिन है। गोरखपुर में मौजूद राष्ट्रपति संत कबीर नगर जाएंगे वहां मगहर जाएंगे उसके बाद वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति संत कबीर नगर के मगहर मजार पर जाकर चादर चढ़ाएंगे इसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर पर जाएंगे काशी जाएंगे दर्शन पूजन करेंगे और इस दौरान सीएम योगी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। तो देखिए दोनों ही इतिहास के ऐसे पन्नों को जोड़ करके देख लीजिए आप जहां पर आज महामहिम की उपस्थिति रहेगी। कबीर ने आकर के संत कबीर नगर में मगहर में इसलिए प्राण त्यागे क्योंकि किद्वंती थी कि काशी में मरना ही श्रेयस्कर है सही है और मगहर में मरने वाला पापी होता है। तो इसी को तोड़ने के लिए मिथक को तोड़ने के लिए कबीर ने जगह चुनी थी मगहर और उन्हीं के मजार पर जाएंगे राष्ट्रपति फिर पहुंचेंगे काशी। तो देखिए महामहिम का एकता संदेश राष्ट्रपति आज संत कबीर नगर जाएंगे समाधि पर कबीर की वो चादर चढ़ाएंगे इसके बाद वो रुख करेंगे बाबा विश्वनाथ धाम दर्शन करेंगे और सीएम योगी भी साथ में मौजूद रहेंगे और शाम को फिर लखनऊ रवानगी हो जाएगी और इस तरीके से कुल 3 दिन का यूपी का दौरा महामहिम का राष्ट्रपति का संपन्न हो जाएगा जो कि शुरुआत है कानपुर से उसके बाद गोरखपुर संत कबीर नगर और काशी। तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और काशी विश्वनाथ से जुड़ रहा है से ही हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जहां तैयारी क्या है दौरे को लेकर महामहिम की हम उनसे ही अपडेट लेंगे। नीतीश बताइए किस तरीके की तैयारी है महामहिम के आगमन को लेकर के और काशी तो हमेशा से ही सुंदर है और स्वागत के लिए तैयार रहती है बड़े बड़े मेहमानों के लिए लेकिन आज खुद महामहिम आ रहे हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है नीतीश हम आपसे जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे लेकिन इस बीच तस्वीरों को दिखाते चले। देखिए ये पिछले 2 दिनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गोरखनाथ मंदिर पहुंच करके महामहिम ने पूजा अर्चना की और गीता प्रेस पहुंचे। शताब्दी वर्ष समारोह बड़ा कार्यक्रम रखा गया था उसमें शिरकत की उसके बाद बाबा गोरखनाथ मंदिर पहुंच करके दर्शन पूजन किए गोरक्षनाथ पीठ
की अगवानी करते किस तरीके से नजर आए सीएम योगी, ये भी आप देख सकते हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, अगवानी का मौका मिला है। इसके बाद अगर गोरखपुर दौरे की बात करें तो शाम को रामगढ़ताल पहुंचे थे महामहिम, जहां उन्होंने लाइट एंड साउंड शो देखा, लेजर शो देखा। और एक खासियत है जहां पर एक अच्छी सी कहानी का चित्रण होता है रंगीन लाइट्स के जरिए, लेजर के जरिए, जिसे महामहिम ने देखा। लेकिन अब दौरे का तीसरा दिन है महामहिम का, और सीधा रुख करते हैं वाराणसी से मेरे सहयोगी नीतीश का। नीतीश, जानकारी देंगे कि क्या तैयारी है, कब तक पहुंचना है महामहिम को, अपडेट क्या आ रही है? स्नेहलता, आज का दिन बनारस में मगहर से काशी की यात्रा वाला, एक तरह से ये कहें कि कबीर का जो यहाँ पे कबीर की धरती है और जो अंतिम स्थली है वो मगहर है, लेकिन आज पहले मगहर और फिर काशी, और काशी में बाबा विश्वनाथ की जो स्थली है बाबा विश्वनाथ धाम पर, वहाँ पर पहुँचेंगे राष्ट्रपति। और बरेका से बाबा विश्वनाथ के धाम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग 1 बजे का समय है और 1 बजे के बाद सबसे पहले बरेका गेस्ट हाउस पहुंचेंगे राष्ट्रपति, वहां पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर बाबा के धाम में जाएंगे। बाबा के धाम में लगभग 45 मिनट का समय बिताएंगे और फिर यहां से रवाना हो जाएंगे। आपको बताएं कि जो राष्ट्रपति का आगमन यहां पर, जैसा कि आपने भी कहा कि काशी हमेशा अपने मेहमान, अपने श्रद्धालुओं के आगमन के इंतज़ार में रहती है, पूरी तरह से तैयार रहती है, लेकिन मौका महामहिम के आगमन का है तो प्रशासनिक तैयारियां ज़बरदस्त है। अगर बात करें सुरक्षा की तो कल सुरक्षा का रिहर्सल किया गया, आज अगर बात करें तो बरेका, BHU, लंका, और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो भी राष्ट्रपति का रूट है उस पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। तो हर तरफ सुरक्षा के इंतज़ाम, और अब इंतज़ार है राष्ट्रपति के आगमन का। स्नेहलता, बिल्कुल, और जैसे ही आगमन होगा, जैसे तस्वीरें आएंगी, हम आपका रुख करेंगे। नीतीश, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। तो देखिए, सीएम योगी के जन्मदिन पर अयोध्या कैसी है तैयारियां, ये जानने के लिए, देखने के लिए चलते हैं सीधे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास, क्योंकि वो राम की जन्मभूमि पर अयोध्या में ही मौजूद हैं और वहां पर अपडेट देने के लिए हम उनका रुख करते हैं। तो वीरेश, बताइए और दिखाइए कितनी तैयारी है राम जन्मभूमि पर इस वक्त। देखिए, 51 क्विंटल का लड्डू, जी हाँ, 51 क्विंटल का लड्डू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आज प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। मैं इस वक्त अयोध्या की धरती पर मौजूद हूँ और बृजभूषण शरण सिंह, जो कैसरगंज के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ही 51 किलो क्विंटल का ये लड्डू बनवाया है। उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। और आज 5 जून है, याद करिए, वो 5 जून अयोध्या कूच का ऐलान 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने किया था राज ठाकरे के खिलाफ, कि राज ठाकरे जो उत्तर भारतीयों का अपमान करते हैं उनका वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो 5 जून को आ नहीं पाएंगे। राज ठाकरे ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, आज ही के दिन उन्हें आना था, और आज 51 कुंटल का जो ये लड्डू बना है, और ये राज ठाकरे के नहीं आने का ये सब क्या है? एक तरीके से आप कह सकते हैं विजय उत्सव भी है ये। और मैंने कहा था कि 5 लाख लोग अयोध्या आएंगे, तो अगर मैं इस कार्यक्रम को ना करता तो लोग कहते कि ये मैंने कोई हवाबाजी की है। तो आज 5 लाख, क्या हमको लगता है कि शायद ये आंकड़ा उससे बहुत ज़्यादा होगा, आप अनुमान लगाइए, मीडिया वाले अनुमान लगावें। राज ठाकरे भी कहते कि हवाबाज निकले। नहीं, हवाबाज नहीं, राज ठाकरे की वजह से पूरे मुंबई और पूरे देश के लोग आज अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या कैसी रंगी है, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर रंग के फूल हैं। आज देखें कि अयोध्या कैसी है, आज देखें कि अयोध्या कैसी है। ये कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, स्वागत हो रहा है मोटे मोटे, ये हजारों जगह पर है, हजारों जगह पर है आज। मतलब हमारे 10-15 जिले ने इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, और लगभग मुझे जो मुझसे मिल चुके हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, उत्तर भारत पूरा यहाँ पर मौजूद है, उत्तर भारत पूरा पर यहाँ पर मौजूद है। और अभी देर 9:08 बज रहे हैं, मेरा कार्यक्रम तो 11 बजे का है, योगी जी का जन्मदिन मनाने 12 बजे, अभी हम रास्ते में अयोध्या से काफ़ी दूर हैं। हाँ, अयोध्या से काफ़ी दूर है, हाँ, ये जिला अयोध्या हो गया, अयोध्या विकास प्राधिकरण का क्षेत्र है ये। हाँ, और अभी
सारी क्षेत्र अभी नहीं आया है। अच्छा ये बताइए, इतनी भीड़ देखेंगे राज ठाकरे, आज 5 जून को उन्हें आना था और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई अब नहीं आ पाया। बहुत पश्चाताप करेगा वो, उसको मैंने कितना अच्छा ऑप्शन दिया कि संतों से माफी मांग लो, जनता से माफी मांग लो, मोदी जी से मांग लो, योगी जी से मांग लो। वो बड़ा अभागा आदमी है, माफी मांग लेता तो आज आकर के नजारा देखता है, उसको भी बैठा लेते गाड़ी पर। 5 लाख में से 5 लाख एक 5 लाख एक हो जाता, आनंद लेता, उसका नाम हो जाता, उसकी अकड़ ढील। देखिए, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलग न सोई। अभी उसको अकड़ नहीं ढीली हुई है और जब तक आदमी की अकड़ नहीं जाती है तब तक भगवान के दरबार में नहीं जा सकता, उसको अकड़ है अभी। फागताबाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के प्रमुख पक्ष कर रहे महेंद्र प्रताप को धमकी मिली है, ये बड़ी खबर आ रही है। वृंदावन कोतवाली में शिकायत देते हुए सुरक्षा की भी मांग की है। महेंद्र प्रताप सिंह ने आगरा जामा मस्जिद मंटोल के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर ऑडियो जारी कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। तो देखिए, जान का खतरा बताया है, एक ऑडियो भी उन्होंने रखा है सामने, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के प्रमुख पक्षकार हैं महेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने वृंदावन कोतवाली में शिकायत दर्ज की है और सुरक्षा की मांग की है, कहते हैं कि जान का खतरा है। और ये देखिए, जान से मारने की धमकी मिलने के बाद इन्होंने रुख किया है सुरक्षा के लिए। वृंदावन कोतवाली में ये पत्र लिखा है और मांग की है कि मुझे सुरक्षा मुहैया की जाए। साथ ही उन्होंने जिक्र किया है कि आगरा जामा मस्जिद मंटोला के अध्यक्ष हैं जाहिद कुरैशी, इन्हीं से जान को खतरा है महेंद्र प्रताप सिंह को, इन्होंने ये आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही एक ऑडियो जारी कर दिया है, ये भी कहा है कि देखिए, ये हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, वकील हैं और वादी भी उस केस के, और उसी के सिलसिले में हमको कुछ लोगों के द्वारा धमकी दी गई है जान से मारने की और जो मीडिया में वायरल भी हो रही है, तो उसी को लेकर के आज हम FIR दर्ज करने के लिए वृंदावन कोतवाली आए हैं और कोतवाल साहब को हमने अपनी तहरीर दे दी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।